अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए, कुफरी ताकतों का पैया जो दाम कर गए, के गुलाम हैं देवबंद वाले, आली मकाम हैं देवबंद वाले। दीन को वजूद में लाने की मेहनत तो बेशक इस उम्मत के जिम्मे है, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान की किसी एक हुक्म पर अमल कर रहा है, एक उम्र अमल नहीं कर रहा है, उसके पीछे पड़ जाना और इस बात की लोगों का आगे शिकायतें करना कि फला ये नहीं करता, इस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला की सख्ती। ये दो अहम सबक हैं आज के। उमर रज़ी अल्लाह तआला सख्ती करना उस शख्स पर जो कुरान के मुतशाबहात के बारे में सवाल करे। फरमाते हैं कि सबीगा इराकी वो कुरान की ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल किया करता था मुसलमानों के दरमियान में बैठकर जो चीज़ें अल्लाह ताला की मुराद जानते हैं या वो मुतशाबहात में से हैं। यहाँ तक कि ये असबा सबीग ये मिस्र आए, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने इनके भेजा उमर के पास और लिखकर भेजा खत कि ये सबीग ये वो आदमी है इराक का जो कुरान के मुतशाबहात के बारे में कलाम करता है, सवाल करता है। उमर ने पूछा रहने वाले से आदमी कहाँ है, उसने कहा कि अपने कयामगाह पर ठहरा हुआ है। उमर ने फरमाया इस आदमी पर नजर रखना, ये भाग ना जाए, अगर ये भाग गया यहाँ से छूट कर तेरे हाथ से तो मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। चुनाचे उस आदमी पर नजर रखी गई, ये उसको पकड़ के लाया उमर के पास। उमर ने उससे फरमाया कि तुम कुरान की किन आयतों के बारे में सवाल करते हो, उसने बयान किया। हज़रत उमर रज़ी और कोई जवाब नहीं दिया उसको, बल्कि एक आदमी को भेजा और फरमाया कि जाओ खजूर की टहनियाँ तोड़ कर लाओ, खजूर की टहनियाँ तोड़ कर लाओ। वो गया और लेकर आया जरीद नखल खजूर की टहनियाँ। यहाँ तक उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो टहनी लेकर उससे उसको मारना शुरू किया। इतना मारा है उमर ने उसको कि उसकी पीठ पूरी जख्मी हो गई, इतनी जख्मी हो गई पीठ कि फिर और मजीद मारने की गुंजाइश नहीं रही। उमर ने उसको छोड़ दिया थोड़ी वक्त के लिए, यहाँ तक उसके जख्म ठीक हो जाए। जब जख्म ठीक हो गए फिर उसको बुलाया, फिर उसको दोबारा मारा, खजूर की शाखों से मारा, यहाँ तक तो उसकी कमर जख्मी हो गई, फिर उसको छोड़ दिया यहाँ तक कि उसकी कमर के जख्म ठीक हो जाए। हज़रत ने हुक्म दिया उसको फिर बुलाया और बुलाकर फिर उसको उसी तरह मारा। सदीक ने कहा नहीं, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो मुझे अच्छे तरीके से कत्ल कर दें, या आप मुझे बुला के मारते हैं, जख्मी हो जाती है फिर आप छोड़ते हैं, जब जख्म ठीक हो जाते हैं सूख जाते हैं फिर आप दोबारा जख्मी करते हैं, आप मुझे एक मरतबा मार के ख़त्म करते हैं, और अगर आप मेरी तरबियत चाहते हैं और मेरा इलाज कर रहे हैं तो खुदा की कसम मुझसे जो गलती हुई थी कुरान के मुतशाबहात के बारे में सवाल करने की, जो मुझसे गलती हुई थी खुदा की कसम हमने उससे तौबा कर ली है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको उसके वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। जहाँ के ये थे रहने वाले वहाँ मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला वो वहाँ के अमीर थे। आज तो मैंने लिखा मूसा अशअरी को कि ये आदमी आ रहा है सबीर, कोई मुसलमान न इसके पास बैठे न इससे बात करे। यहाँ तक के ये सबीर अपने इलाके के सरदार थे, लेकिन इसके बावजूद हर उमर के मना करने की वजह से कोई सबीर से न बात करता था न इसके पास बैठना पसंद करता था। एक मुद्दत इस तरह गुजरी यहाँ तक कि यह सबीर अपनी जिंदगी से तंग आ गया कि न कोई मुझसे मिलता है न कोई मुझसे बात करता है, मैं आता हूँ 100 आदमी अगर बैठे वो होते हैं मुझे देख कर बिखर जाते हैं, कभी इन्हें मना किया हुआ है इससे मिलने से। चुनाचे इस आदमी की जिंदगी तंग हो गई। मूसा अशअरी लिखा उमर को कि इस आदमी ने तौबा कर ली है, अब इसकी हालत सही हो गई है, अब यह कुरान की मुतशाबहात के बारे में सवाल करने से बाज आ गया है। उमर ने मूसा अशअरी को लिखा
कि हाँ अब इजाजत दे दो कि लोग इसके पास बैठ जाया करें और लोग इसके साथ इससे बातचीत कर लिया करें। इतना उमर ने एहतमाम किया। एक रवायत में है उमर रजी अल्लाह ने लकड़ी मारी उसके सर पर, यहाँ तक कि खून सर से बहने लगा उसके चेहरे पर। उसने कहा उम्मीद जो आपने कर लिया है काफी है, खुदा की कसम मेरे सर से शैतान और मेरे दिमाग से शैतान निकल गया है, मैं आइंदा गलती नहीं करूँगा। हसन कहते हैं कि कुछ लोग मिले अब्दुल्लाह इब्न आमिर से मिस्र में और लोगों ने ये कहा कि अल्लाह की किताब में बहुत से अहकाम हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाद अहकाम पर अमल हो रहा है, बाद पर अमल नहीं हो रहा है, लिहाजा हम इस काम के लिए हम उम्मीदीन से मिलना चाहते हैं, जाकर तुमसे शिकायत करेंगे रियाया की कि रियाया कुरान के खिलाफ अहकाम पर अमल कर रही है, बराबर अमल नहीं कर रही। हालांकि शिकायतें करने से हिदायत नहीं और शिकायत करने से दीन नहीं फैला करता। एक दूसरे की जा जाके शिकायत करते रहो लोगों से, इससे दीन नहीं फैला करता, इससे फसाद पैदा होता है, बल्कि अगर दीन में नुकसान आता है तो दीन की मेहनत को बढ़ाओ, अमल मारूफ और मुनकर का एहतमाम करो, इससे दीन वजूद में आएगा। जाकर उमरा से और बड़े लोगों से जाकर शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। इन्होंने आ गए उमर से कहा कि चलो उमर से मुलाकात करते हैं, चुनाचे ये सब उमर के पास आए, उमर से मुलाकात की और कहा मिनीन मिस्र में कुछ लोग हमसे मिले, उन्होंने ये कहा है कि हम अल्लाह की किताब में बहुत से अहकाम देखते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करने का, लेकिन सब पर अमल सारे अहकाम पर अमल नहीं हो रहा है, चुनाचे वो लोग इस सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मशवरा करना चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया ये फिक्र जो लेकर आए हैं उन्हें सबको जमा कर लिया जाए इस जगह, चुनाचे सबको जमा करके हज़रत को खबर की गई। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ ले गए, उनमें से एक सबसे अदना आदमी को पकड़ा हज़रत उमर ने, उनमें से जी हाँ ये शिकायत लेकर आए थे ना कि उम्मत पूरे कुरान पर अमल सुनो गौर से, आजकल का हाल ये है मुसलमान सबका ही, सारे जितने छोटे बड़े हैं सबका यही हाल है, खुद कुछ नहीं करते दूसरों की कमजोरियां पकड़ते हैं, खुद कुछ नहीं करते दूसरों के सगायर पकड़ते हैं, अपनी जात से कबायर के अंदर मुब्तला है। चुनाचे वो लोग जमा हो गए, उमर रज़ी अल्लाह उनमें से एक आदमी को बुलाया, एक आदमी को लिया उनमें से, फरमाया मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर इस्लाम के हक का वास्ता देकर तुझसे पूछता हूँ क्या तूने कुरान पूरा पढ़ लिया है। उसने कहा जी हाँ मैंने कुरान पढ़ा तो है पूरा। अकबर ने फरमाया कि क्या तूने कुरान को पूरे कुरान को भी दिन में उतार लिया है। शिकायत करने वालों से कहा तुमसे जी हाँ शिकायत करते ना जी जाके ये फला ये कर रहा फला ये कर रहा उनसे है। तुमर ने फरमाया एक एक से अलग अलग क्या तूने पूरा कुरान दिल में उतार लिया। उसने कहा नहीं जी पूरा कुरान मेरे दिल में तो नहीं उतरा। अकबर ने फरमाया क्या तूने पूरा कुरान अपनी आंखों में उतार लिया है। उसने कहा नहीं जी पूरा कुरान मेरी आंखों में नहीं उतरा है। हज़रत फरमाया क्या तूने पूरा कुरान अपनी जुबान पर एक एक लफ्ज उसका अपनी जुबान में उतार लिया है। उसने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ। हज़रत फरमाया क्या तूने पूरे कुरान पर पूरी तरह अमल कर लिया है। तूने पूरे कुरान पर पूरी तरह अमल कर लिया है। उसने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ। एक एक बात को वो इनकार करता रहा। इस तरह उमर रज़ी अल्लाह एक एक से अलग अलग पूछा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक उससे इसी तरह सवाल किए। उमर ने फरमाया कि उमर की माँ उमर को गुम करे, उमर की माँ उमर को गुम करे, क्या तुम उमर को इस बात का मुकल्लफ बनाने के लिए और इस बात की जिम्मेदारी डालने के लिए आए उमर पर कि वो तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह की किताब कुरान पर पूरी तरह कायम कर दे। लोग आगे शिकायतें करते हैं उमर से, तुम्हारे इलाके में ये हो रहा है तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे इलाके में ये हो रहा है तुम कुछ करते नहीं हो। बाहर जाकर उलमा को मलामत करते हैं, बाहर जाकर मशायख और बुजुर्गों को तंग करते हैं यदि आपके इलाके में ये हो रहा है आपके इलाके में वो हो रहा है आप ठीक नहीं करते। इन लोगों ने आकर उमर से कहा अरे उमर वो आदमी हैं कि जिस गली से उमर गुजर जाते थे वहाँ से शैतान गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। इतना रौब है उमर का
उनके जमाने भी ये नहीं हुआ कि तमाम लोग अल्लाह के सारे अहकाम पर पूरे पूरे उतर जाते। फरमाया उमर ने कि उमर की माँ उमर को गुम करे, क्या तुम उमर को इस बात का मुकल्लफ करने आए हो कि वो तमाम लोगों को अल्लाह की किताब पर पूरी तरह कायम कर दे? हमारा रब जानता है कि हमसे गुनाह भी होंगे, गलतियां भी होंगी, खता भी होगी। हजमर कह रहे अल्लाह खूब जानता है कि हमसे गलतियां भी होंगी, खताएं भी होंगी। तुम कबायर से, बड़े गुनाहों से बस बचते रहो तो अल्लाह रब इज्जत तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकअल्लाह।